सो गाइज, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज आपके लिए लेकर के आया हूँ सेट नंबर 109, BSRB चेन्नई क्लर्क एग्ज़ाम 2000 में आया हुआ। दिस गाइज बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत शानदार बुक। आपको पता ही है कितनी इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर दिलवा सकती है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस जितने भी हैं ये सब एग्ज़ाम्स में आए हुए ही हैं। और कोई भी आयोग हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबका एक ही प्रोसीजर रहता है बच्चों, पिछले कुछ ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को चुरा करके आपके एग्ज़ाम में रख देना, बस कोई क्वेश्चन नहीं बनता है नया, ये ध्यान रखें आप लोग। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आयोग हर बार नया क्वेश्चन बना रहा है तो वो आपकी गलतफहमी है, बिकॉज आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। क्योंकि मैंने 35 ईयर्स के अराउंड प्रैक्टिस सेट सोल्व करा लिए हैं, आज मैं जब प्रैक्टिस सेट देखता हूँ, नए नए पेपर जब हो रहे हैं बच्चों के, तो देखता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मुझे उलझे हुए हैं कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में, तो मैं समझ जाता हूँ कि ये सब कलेक्शन ही है। तो ये बात मैं आपको आज बता रहा हूँ बच्चों कि सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम्स से ही चुराए जाते हैं, कोई क्वेश्चन नया नहीं बनाया जाता है, बस राम की जगह श्याम कर दिया जाता है, मोहन की जगह सोहन। गाइस तो फिलहाल यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ आपका सेट नंबर 109। कह रहा है कि ही डिडंट नो व्हाट हैपन्ड एज ही वॉज फॉलिंग अनकॉन्शियस। तो यहाँ पे ही डिडंट नो व्हाट हैड हैपन्ड एज, यहाँ ये जो आप एज देख रहे हैं ये एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसके पहली तरफ भी एक वर्ब है और इसके अगली तरफ भी एक वर्ब है, इसका मतलब एज यहाँ पे एक एज ए कंजक्शन आपका इस्तेमाल हो रहा है। जब कोई वर्ड एज ए कंजक्शन इस्तेमाल हो रहा हो और उसके पिछला वाला पार्ट आपका पास्ट इनडेफिनिट में हो, किसमें हो? पास्ट इनडेफिनिट में, तो आपका नेक्स्ट पार्ट पास्ट परफेक्ट में बनना है, ये बात ध्यान रखें। किसमें बनना है आपका? पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे वॉज फॉलिंग अनकॉन्शियस की जगह हैड फॉलन अनकॉन्शियस आपका होना चाहिए था, ये इंग्लिश ग्रामर का एक रूल है। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, करेक्ट। तो गाइज ये आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी मैं बनाने वाला हूँ, मैं आपको पहले बता दूँ, और मैं इस वीडियो के लाइक की भी एक लिमिट रखता हूँ, 100+ लाइक मुझे इस वीडियो पर चाहिए आप लोगों से। आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, दोस्तों के दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, बुक को फिनिश करना मेरी ज़िम्मेदारी है। इस गाइस आपको इस अंदाज में शायद ही कोई बुक सोल्व करवा पाए, पूरे यूट्यूब पर हमने इस बुक को सोल्व करवा दिया है, हमसे ज़्यादा सेट मतलब किसी ने सोल्व नहीं कराए हैं इसके। इस गाइस तो यहाँ पर आज हम लोग बहुत अच्छे तरह से काफ़ी सारे सेट्स की बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द जर्नी वॉज फार फ्रॉम बींग कम्फर्टेबल एज द रोड वॉज बैड। तो कह रहा है कि द जर्नी वॉज फार फ्रॉम बींग कम्फर्टेबल, तो यहाँ पे द जर्नी वॉज फार फ्रॉम, तो फार के साथ फ्रॉम आया करता है जो कि उसने लगाया, बींग कम्फर्टेबल यानी कि इस हिस्से में कभी नहीं है गलती आपकी, ये पूरा हिस्सा आपका करेक्ट है। तो गाइज इस सेंटेंस का आंसर भी हो जाएगा आपका नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ई कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे कि वुड यू बी लाइक्ड टू हैव सम आइसक्रीम, वुड यू बी लाइक्ड टू हैव सम आइसक्रीम। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में अगर आप बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा करके सेंटेंस को बना रहे हैं तो ये सेंटेंस आपका पैसिव की भावना को शो कर रहा है। किसकी भावना शो कर रहा है? पैसिव की। तो आप वुड यू लाइक टू हैव सम आइसक्रीम, बस इसको ऐसे बनाएं कि आप क्या कुछ आइसक्रीम लेना चाहेंगे। तो गाइज यहाँ सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल डी, करेक्ट। ओके गाइज थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे डी कन्फर्म। डिस्पाइट माई फ्रेंड्स डिस्पाइट माई एफर्ट दे डिड नॉट एक्सेडेड टू ओवर रिक्वेस्ट। मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया, ये कह सकते हैं आप यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे कह रहा है कि डिड नॉट एक्सेडेड, अब जरा सोच के देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है जब सेंटेंस में डू डज डिड, जब सेंटेंस में आपका डू डज डिड हो तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आया करती है, लेकिन उसने यहाँ आपको डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म देकर के सेंटेंस को गोल किया है, ये सेंटेंस आपका यहाँ पर रॉन्ग है। आपको यहाँ पे एक्सीडेड की जगह एक्सीड करना होगा ओनली, तो ACCEDE बस।
इतना ही काफ़ी है। तो गाइज इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फिलहाल सी करेक्ट। ओके गाइज, तो यहाँ आपको इसका आंसर लगाना होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ। कह रहा है कि हर वॉइस इज सो मेलोडी दैट एवरीवन लाइक्स टू हियर हर सॉन्ग। उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा मेलोडी है कि हर कोई उसके सॉन्ग पसंद करता है सुनना। तो गाइज यहाँ पर ये बात कन्फर्म है आपका कि सो के बाद यहाँ पर, क्योंकि सो दैट का उसने इस्तेमाल किया है तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है। सो के बाद यहाँ पर एक एडजेक्टिव होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था? एडजेक्टिव, जबकि मेलोडी आपका एक नाउन है, मेलोडी आपका एक नाउन है। आपको इस नाउन को एडजेक्टिव बनाना है और आपको ये काम करने के लिए कुछ नहीं करना है, इसमें ओ यू एस लगाना होगा बस। तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव तैयार और वाई को बना देंगे आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ड इसका? मेलोडियस। क्या हो जाएगा? मेलोडियस। यस गाइस, तो यहाँ पे हर वॉइस इज सो मेलोडियस कुछ इस तरह से होगा इसका आंसर, दैट एवरीवन लाइक्स टू हियर हर सॉन्ग्स। हर वॉइस इज सो मेलोडियस दैट, यानी कि इसका आंसर इस तरह से आपका हो जाएगा बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि आई डिडंट एक्सेप्ट द कंपनसेशन बिकॉज द डैमेज वॉज ऑलमोस्ट नेगलेक्टेड। तो यहाँ हमें बताना है सेंटेंस में किस पार्ट में है एरर। देखिए यहाँ पे रेड पोर्शन देखेगा, कह रहा है कि द डैमेज वॉज ऑलमोस्ट नेगलेक्टेड। नेगलेक्टेड का मतलब होता है बिल्कुल जिसको माना ना जाए, यानी कि बिल्कुल जिसकी कोई बात स्वीकार ना की जाए, नेगलेक्टेड ऐसे कह सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर नेगलेक्टेड का भाव नहीं, यानी कि नगण्य की बात कर रहा है, यानी कि जो डैमेज भी कुछ ना के बराबर हुआ ये कहना चाह रहा है, लेकिन नेगलेक्टेड कम से कम नहीं आएगा। तो यहाँ पे नेगलेक्टेड की जगह आपका आना है नेग्लिजिबल, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई वुड नॉट हैव गोन अलोन इफ यू वर टोल्ड मी ऑफ द डेंजर। सेंटेंस आपका कंडीशनल पोर्शन पर आधारित है। यहाँ पर सेंटेंस में उसने लगाया वुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म और नेक्स्ट पार्ट में वर्ड टोल लगाया है। देखिए गाइस ये एक रूल है कंडीशनल सेंटेंस का, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आने वाला है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म तो आया, लेकिन इस पार्ट में आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपका नहीं आया है। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपका होना चाहिए था। If you had told me, कुछ इस तरह से सेंटेंस होना चाहिए था। नेगेटिव तो आप उसको बना नहीं सकते, बिकॉज नेगेटिव बनाने पर सेंटेंस डबल नेगेटिव हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका रॉन्ग। If you had told me of the danger, अब यहाँ पर आपको प्रपोजिशन नहीं बदलनी है, ये बात ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं सेम, लेकिन यहाँ पर एक विद और ऑफ दिया हुआ है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बदल रहे हैं तो प्रपोजिशन नहीं बदलेंगे, यानी कि और कोई एरर नहीं ठीक करेंगे। इस सेंटेंस का आंसर फिलहाल आपका हो जाएगा डी करेक्ट। ओके गाइस, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? आपका आंसर हो जाएगा फिलहाल पूरी तरह से डी करेक्ट। कह रहा है कि वी आर स्टेइंग इन दिस बिल्डिंग फॉर द लास्ट टू डिकेड्स। यहाँ पर ये सेंटेंस में आपको एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार ये आपके सामने आ चुका होगा, लेकिन यहाँ हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस के साथ में आ रहा है आपका। मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी किसी सेंटेंस के आखिरी में सिंसिया फोर प्लस टाइम हो तो सेंटेंस को आप हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई एक प्लस आईएनजी लगानी होती है, लेकिन उसने यहाँ पे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन में से कोई भी एक नहीं लगाया है जो आपको लगाना होगा। तो सेंटेंस में वर स्टेइंग तो नहीं आएगा, हैड बीन स्टेड भी नहीं आएगा, हैव बीन स्टेइंग आपका आ सकता है, हैव बीन स्टेइंग इनटू नहीं आएगा, बिकॉज दूसरा बदलाव नहीं करेंगे। तो सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड पूरी तरह से करेक्ट, यानी कि सी। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल थिंक दैट ही इज इनोसेंट। यहाँ पर पीपल जो है आपका एक काउंटेबल है, क्या आपका ये काउंटेबल, जिसे आप गिन सकते हैं, और जब कोई चीज़ काउंटेबल हो जिसे गिना जा सके, उसके लिए आप लार्ज अमाउंट नहीं, लार्ज नंबर के अमाउंट आपका तब लगाएंगे जब आप किसी मात्रा की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? जब आप किसी मात्रा की बात कर रहे हो, अ लार्ज नंबर ऑफ आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे आप बिग अमाउंट भी नहीं कह सकते, अ लार्ज अमाउंट्स भी नहीं कह सकते, बिग अमाउंट्स भी नहीं कह सकते, यहाँ आपका आएगा अ लार्ज नंबर। क्या आएगा आपका? A large number of people think that he is innocent. यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट।
सेंटेंस नंबर 10 में कह रहा है कि ही आस्क मी दैट माई कार वॉज सेफ फॉर अ लॉन्ग जर्नी। वो कह रहा है कि मेरी कार जो है सेफ है लॉन्ग जर्नी के लिए। तो यहाँ पे बच्चों कह नहीं रहा है, पूछ रहा है, पहली बात तो ये है, उसने मुझसे पूछा। अब गाइस यहाँ पे एक बात और मैं बता दूँ आपको, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आपने साथ पढ़ा होगा, अगर सेंटेंस में टोल्ड हो तो ही आप दैट लगाते हैं, अगर सेंटेंस में आपका आस्क आ जाए, क्या आ जाए आपका आस्क, तो आप सेंटेंस में एज ए कंजक्शन या तो इफ या फिर डब्ल्यू एच फैमिली या फिर वेदर का इस्तेमाल करते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर आपको कम से कम दैट नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखें। तो इस सेंटेंस में दैट नहीं आएगा, आपको आ जाएगा इफ़ माई कार वॉज सेफ। तो गाइज यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पूरी तरह से करेक्ट। तो गाइज जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी लंबी, थोड़ी सी लेंथी, जहाँ मैं आपको खूब सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में करवाने वाला हूँ। जिस किसी को भी ये मैंने सेट कराए हैं, इसका नोट्स चाहिए, PDF चाहिए आज के सेट का, 109, 110 जो भी मैं आपको कराऊंगा, वो मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर मैसेज करे 8279738238 पर, मैं उसको ये पेज प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी बुक का PDF मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह से पेज बाय पेज दे सकता हूँ, जिस किसी को चाहिए वो मुझसे ले सकता है, PDF वो खुद से बना दे। तो गाइज फिलहाल हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की तरफ, जो कि है आपका सेट नंबर 110 BSRB भोपाल क्लर्क एग्ज़ाम 2000 में आया हुआ। यस गाइस, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेट नंबर 10 की, क्या कह रहा है उसको देखेगा। कह रहा है कि दे हैव रिकमेंडेड दैट द कॉस्ट ऑफ सर्विस वर इंक्रीज्ड बाय 10%। सो यहाँ पे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सर्विस वर इंक्रीज्ड बाय 10%, दे हैव रिकमेंडेड दैट। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को मुझे बनाना होगा प्रेजेंट, क्योंकि सेंटेंस पे चला है प्रेजेंट में ही, ये बात तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली है, सेंटेंस को मुझे प्रेजेंट में ही रखना होगा, ये बात ध्यान रखें। अब यहाँ पे गाइस ये तो कन्फर्म है कि जो दिया हुआ है वो गलत है, ओके गलत तो ये है ही, और साथ ही साथ यहाँ पे आप पहला ऑप्शन भी नहीं लगा सकते। चलिए अब उसके बाद में वो कह रहा है कि दे हैव रिकमेंडेड दैट द कॉस्ट ऑफ सर्विस वर इंक्रीज बाय 10%। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखेगा, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो सर्विस की कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए 10%। यहाँ पे चाहिए का भी अर्थ आपका कहीं ना कहीं आ रहा है। अब उस चाहिए के अर्थ के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए सेंटेंस में, शुड, जो कि पूरे सारे ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, कम से कम बाय आप नहीं हटा सकते। यस, तो यहाँ पे ये भी आपका ख़त्म हुआ, इससे बाहर फ्रॉम, अब नो क्वेश्चन रिक्वायर्ड, तो ये भी ख़त्म है, क्योंकि सेंटेंस तो गलत ये है। आर इंक्रीज नहीं लगा सकते, चाहिए का अर्थ में ये भी नहीं आता है, आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है बी इंक्रीज, बस मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, आप इसका आंसर लगाएंगे डी फिलहाल। दे ऑलवेज ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन एनीबडी, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं गलती ढूंढने की एनीबडी यानी के किसी में भी। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपको ढूंढनी है मिस्टेक, रेयर पोर्शन बतानी है, ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन। तो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड फॉल्ट इन, इन की बदले यहाँ पे आपको लगाना होगा विद, क्या लगाना होगा आपको यहाँ पे विद, क्योंकि आगे एक व्यक्तिवाचक प्रोनाउन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ट्राई टू फॉल्ट विद सम एनीबडी। तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर आपका हो जाएगा बी फिलहाल करेक्ट। आगे देखते हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस नंबर 3 और 4, कह रहा है कि ही अराइव्ड एट द वेन्यू ओनली आफ्टर द मीटिंग वॉज एडजर्न, तो वो वेन्यू पर तब आया जब मीटिंग जो है एडजर्न हो चुकी। तो गाइस यहाँ पे मीटिंग वॉज एडजर्न, अगर आपको दिख रहा हो तो आप लोग देख रहे होंगे वॉज प्लस एडजर्न। तो गाइज मैं आपको एक बार नहीं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि वॉज जो है आपकी बी की फैमिली का एक हिस्सा है, आपको पता है कि बी की फैमिली के अंदर आपके 5 मेंबर आया करते हैं, इज एम आर वॉज वर, बी की फैमिली में हमारे आते हैं 5 मेंबर, इज एम आर वॉज वर, और अपने खुद के भी 2 मेंबर हैं बीन और बींग, बीन और बींग, ये 8 मेंबर आपको बी की फैमिली में दिखाई देंगे। यस गाइस, अब कभी भी अगर आपको बी की फैमिली साथ वर्ब लगानी हो, ध्यान रखें बी की फैमिली साथ में या तो हमेशा आएगी आपका ING फॉर्म या फिर आपके हमेशा आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो रूल है। लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें तो वॉज के बाद ये जो दिया गया वर्ब है, ना तो ये ING फॉर्म है और ना ही ये आपकी थर्ड फॉर्म है। यस गाइस, तो इसका मतलब ये साफ साफ है कि जो दिया हुआ ऑप्शन है गलत तो ये है। यस, गलत तो ये 100% है, आपको लगाना है adjourned यानी कि थर्ड फॉर्म,
तो वॉज एडजर्न्ड, अब कितनों में है, मीटिंग वॉज एडजर्न्ड, जो कि मुझे दिख रहा है पहले में ही, यानी कि थर्ड सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। कह रहा है कि एवरीवन बिलीव्ड हिम टू बी गिल्टी फॉर मर्डर, हर कोई मानता है उसको अपराधी मर्डर का। तो गाइस यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँ, ये कुछ वर्ड्स हैं हमारे गिने चुने, जैसे कि उनमें से एक आपका गिल्टी, तो गिल्टी का मतलब होता है अपराधी, और गिल्टी के साथ आपका हमेशा फिक्स पर्पसन रहता है ऑफ, क्या होता है आपका ऑफ। ऐसे ही आपका एक वर्ड है थेफ्ट, तो थेफ्ट के साथ हमेशा आपका आया करता है फोर। तो ये सब वो हैं वर्ड जो अपराधी के लिए लगाते हैं, किसी के ऊपर अपराध लगाना, आरोप लगाना, तो गिल्टी ऑफ थेफ्ट फोर। यस गाइस, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में आपका गिल्टी के साथ में ऑफ आना चाहिए था, जो कि आपका है फिलहाल सेंटेंस के ऑप्शन नंबर सी में, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी ही करेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है व्हाट ही इंटेंड्स टू प्रपोज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, व्हाट ही इंटेंड्स टू प्रपोज इज नॉट क्लियर फ्रॉम हिज लेटर, यानी कि वो जो चीज इंटेंड करना चाहता है अपने लेटर के जरिए वो क्लियर नहीं हो रही हैं। तो गाइस यहाँ पे व्हाट ही के हिसाब से उसने एस आई एस लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक है, और टू के बाद प्रपोज लगाया वो भी बिल्कुल ठीक है। इस सेंटेंस में कोई सेंटेंस की एरर रिक्वायरमेंट नहीं है, नो एरर रिक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ई करेक्ट। आगे कह रहा है वो सेंटेंस नंबर सिक्स में, वेदर ही अटेंड्स द मीटिंग और नॉट इज ई मटीरियल टू मी, चाहे वो मीटिंग अटेंड करे या ना करे इज नॉट ई मटेरियल टू मी, यानी कि मेरे लिए वो कुछ भी बहुत मायने नहीं रखती है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में कह रहा है कि वेदर ही अटेंड्स द मीटिंग और नॉट, यहाँ पे जो चीज़ थी वो बिल्कुल करेक्ट है, इज ई मटेरियल टू मी, यानी कि सेंटेंस पूरी तरह से ये भी है करेक्ट, तो ये भी हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड, नो करेक्शन रिक्वायर्ड एन सी आर। आगे बढ़ेगा, और कंट्री इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, हमारी जो कंट्री है वो बढ़ रही है पॉपुलेशन में। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस की अगर भावना आप देखें, क्योंकि ये काम रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है कंटिन्यू प्रोसेस। तो गाइस ये आपका कंट्री की पॉपुलेशन नहीं है, कंट्री में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन है, पहली बात तो ध्यान रखें, उस पॉपुलेशन को फैलाने वाले बढ़ाने वाले हम में से ही कोई एक है। तो गाइस यहाँ पर और कंट्री इज इंक्रीजिंग आपका होना चाहिए, नॉट इंक्रीज्ड, क्योंकि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो डूअर है, आप इसे एक्टिव में बनाएंगे, इज इंक्रीजिंग आपका होगा, तो सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आंसर है हमारा नेक्स्ट। कह रहा है कि वी वर अवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपन इन द प्रीवियस मीटिंग, तो हम लोग अवेयर थे यानी कि जागरूक थे कि क्या हुआ था कल की मीटिंग में, तो वी के हिसाब से उसने वर्ड लगाया जो कि ठीक है, और अवेयर के साथ हमेशा आपका फिक्स्ड है ऑफ आने आना है, वो भी आपका ठीक है, तो इस सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, इस सेंटेंस में भी नहीं है कोई भी आपकी एरर, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9, पीपल हु डू नॉट बोदर द फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स शुड नॉट इंटरेस्टेड विद एनी सोशल एक्टिविटी, पीपल हु डू नॉट बोदर फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, यानी कि वो लोग जो कि दूसरों की भलाई से परेशान नहीं होते हैं शुड नॉट इंटरेस्टेड विद द सोशल एक्टिविटी। तो गाइस यहाँ पे सॉरी एक्टिविटी नॉट इंटरेस्टेड विद, यहाँ इसने वर्ड का जो इस्तेमाल किया उसने इस्तेमाल किया नॉट इंटरेस्टेड विद। अब गाइस यहाँ पे थर्ड फॉर्म का उसने इस्तेमाल किया है, लेकिन थर्ड फॉर्म से पहले मैं आपको एक बार नहीं पहले बता चुका हूँ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, ये दो फॉर्म आपके ऐसी हैं जो कभी भी आपको बिना हेल्पिंग वर्ब के, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं दिख सकती, ये बात ध्यान रखें। ये दो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आपकी ऐसी हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती, इनका कोई यूज़ ही नहीं है बिना हेल्पिंग वर्ब के, इसलिए आपके यहाँ पे ये गलत है। तो गाइस यहाँ पे आपको अपनी तरफ से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, वो है आपका बी, क्या आपका बी, तो नाइन्थ का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट। यस गाइस, तो नाइन्थ का आंसर आपका हो जाएगा ए। चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, कह रहा है कि ही आस्क मी वेदर आई विल हेल्प हिम, तो यहाँ वेदर से पहले की अगर आप बात करें तो आपको दिख रहा है सेंटेंस पास्ट में चलते हुए, इसी तरह से वेदर के बाद की बात करेंगे तो सेंटेंस पास्ट में चलाना होगा, विल को करना होगा आपको यहाँ पे वुड, क्या करना होगा विल को वुड, तो वेदर आई वुड, वेदर आई वुड। अब यहाँ पर एक मुसीबत और भी खड़ी है आपके सामने कि वेदर के बाद आई वुड
यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, नजर ही नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको वेदर के बाद में आई वुड का ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है तो आप इफ आई वुड भी लगा सकते हैं, वो भी आपका आंसर करेक्ट माना जाएगा। इस गाइस तो सेंटेंस का आंसर फिलहाल जो देखा जाए तो वो हो जाएगा आपका सी ही करेक्ट। तो गाइस यहाँ ये बुक आपको हम लोग दो पार्ट में फिनिश करवा रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है जो अभी अभी चैनल पर विजिट किया है जिन्होंने उनको मैं बता दूं गाइस, ये बुक को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला हमने जो डिवाइड किया है वो 1 से लेकर के 163 तक के सेट किए हैं, और जो दूसरा डिवाइड किया वो किया हमने 164 से आगे के सेट, यानी कि जहाँ तक भी ये जाएंगे आपके एंडिंग पे। तो गाइस यहाँ पर हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके आपके लिए काम को बना दिया है आसान। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएगा, आपको वहाँ पर भी दो फोल्डर देखने को मिलेंगे, मिरर बुक फ्रॉम स्टार्टिंग, मिरर बुक फ्रॉम स्टार्टिंग यानी कि स्टार्टिंग से मिरर बुक, और मिरर बुक फ्रॉम एंडिंग। तो गाइस यहाँ पे दो फोल्डर आपको देखने को मिलेंगे, जाइए अभी देखेगा पूरा कंप्लीट कोर्स निपटा लीजिएगा, अपना एक टारगेट बना के तैयारी कीजिएगा, क्योंकि गाइस यहाँ मेरा तो काम खत्म हो जाता है वीडियो बनाने के बाद ही, आपका काम यहाँ शुरू हो जाता है वीडियो बनने के बाद। तो गाइस यहाँ पे एक टारगेट बनाइएगा कि मुझे डेली 5 वीडियो देखनी है, 6 वीडियो देखनी है, जितना भी आप बना सकते हैं। एक बात और मैं आपको गाइस कहना चाहूँगा, बस ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कोई भी वीडियो को डाउनलोड करके मत देखा करें, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और अगर आप कभी ऐसा भी है कि मान लीजिए चलो हमारे यहाँ स्पीड कम आ रहा है या कुछ भी और समस्या है डाउनलोड करके अगर आप देख भी रहे हैं, तो कभी आप डाउनलोड करने के बाद में वीडियो को खाली चला करके छोड़ दिया करें, इतना आप काम कर दिया करें मेरे लिए। और कम से कम जो अभी भी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ नहीं जाएगा आपका वीडियो को लाइक करने में, एक सिर्फ हल्का सा बटन क्लिक करना है आपको, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिएगा। इस गाइस तो यहाँ पर ये छोटे से काम आपको मेरे कहने पर करने हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्या कह रहा है, कह रहा है कि शुड यू नीड एनी फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। तो गाइज शुड यू नीड, शुड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है जो कि ठीक है। उसके बाद में जो एनी वर्ड है हमारा, एनी वर्ड हमारा चलता ही हम आपके इंट्रोगेटिव में है या फिर नेगेटिव में, ये भी बात हमारी बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट ही है, इस सेंटेंस का नहीं है कोई भी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा ई करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कह रहे कि ही इज अ फार मोर सीरियस प्रैक्टिशनर नाउ देन ही वुड हैव टू बी इन द पास्ट। तो गाइस यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, उसने कहा है कि वो आजकल थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिशनर हो रहा है, यानी कि हर बात को जो है तथ्यों के आधार पर बोलता है, ऐसा वो पहले नहीं था, ये वो कहना चाह रहा है। तो गाइस यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि सेंटेंस पिछले वाला जो है हमारा चल रहा है प्रेजेंट में, जो उसने लगाया है इज, अब उसके बाद वाला जो है वो लगाया उसने वुड हैव में, जो कि उसने बना दिया कंडीशनर, जिसकी यहाँ पे आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस इसके साथ में नहीं चलता है। अब मुसीबत आपकी ये भी है क्योंकि आप पिछले वाला पार्ट तो ठीक कर नहीं सकते, आपको ठीक ही रेड वाला पार्ट करना है, तो आप रेड वाले पार्ट की तरफ ही निगाह रखेंगे। भूतकाल की आदतों को दर्शाने के लिए, भूतकाल की यानी कि पास्ट की आदतों को दर्शाने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, यूज्ड टू का। किसका, यूज्ड टू का। तो यहाँ पर आप लोगों को यूज्ड टू का ही इस्तेमाल करना है, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा फिलहाल बी करेक्ट। क्या आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। कह रहा है कि इफ़ यू विल डिस्ट्रॉय हिज ऑर्डर ही विल पनिश यू। तो गाइज यहाँ सेंटेंस में आपको दिख रहा है डबल मॉडल वर्ब, क्या दिख रही है, एक ही सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब आपकी कभी नहीं आएंगी, ये बात ध्यान रखें। मॉडल वर्ब को अंग्रेजी की अमिताभ बच्चन में बोलता हूँ, जिस तरह से आपने एक फिल्म देखी होगी मोहब्बतें, और मोहब्बतें फिल्म में अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं और मुझे गुरुकुल में कोई बदलाव पसंद नहीं है, उसी तरह से ये जो मॉडल वर्ब है इनको भी कोई बदलाव पसंद नहीं है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, इसीलिए मैंने इनको अमिताभ बच्चन कहना शुरू किया। और दूसरी बात ध्यान रखिए गाइस कि एक सेंटेंस में कभी भी दो अमिताभ बच्चन नहीं आएंगे, अगर ऐसा है तो ये जो 11 वर्ड मैं आपको बोल रहा हूँ इनको सुन लीजिएगा गाइस, क्योंकि नहीं लिख सकता मैं यहाँ पर। इफ़ पहला वर्ड, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, वेदर, अगर इनके बाद मॉडल वर्ब हो तो हमेशा वो गलत होगी, बात ध्यान रखें। अब ये कन्फर्म है कि यहाँ पे विल डिसओबे आपका नहीं आएगा, आगे विल को देखते हुए आप यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाइए, इफ़ यू डिसओबे, बस, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा डी करेक्ट।
सेंटेंस नंबर 14 में कह रहा है कि इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू हैव बीन रिकवरी फ्रॉम हर इलनेस, तो उनको जो है लंबा समय लगा रिकवरी से बाहर आने के लिए. इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू रिकवर, टू रिकवर, बस इतना ही बहुत है, इतना सारा अड़ंगा फ्रेंड के यहाँ पर आवश्यकता नहीं है. सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, सेंटेंस आपका हो जाएगा करेक्ट. तो टू रिकवर बस इतना ही बहुत है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी करेक्ट. चलिए जी चलते हैं इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर. कह रहा है कि व्हाट इज आई डू नॉट अंडरस्टैंड इज हाउ ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. सो गाइस यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे होंगे तो एक ही सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब लगा दी, इस भी लगा दिया और डू भी लगा दिया, इस भी और डू भी लगा दिया. तो इसे बोलते हैं सोने पे अभागा, नॉट सोने पे सुहागा, सोने पे अभागा, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पहले ही करेक्ट था. व्हाई व्हाट आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये सेंटेंस पहले ही करेक्ट था, यहाँ पे इज लगा करके सेंटेंस का नाश मारा गया है. आपको सेंटेंस में सिर्फ इज हटाना है और सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा बस, यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट. तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला सेट भी समझ में आया होगा मेरे द्वारा सिखाया गया. गाइज मैंने आपको जैसा शुरुआत में ही बोला था कि आज का वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहने वाला है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन चार सेट सोचा है कराने के इकट्ठे. अभी देखते हैं समय कितना मेरे पास है फिलहाल, क्योंकि फिलहाल मेरा आने वाला है बैच, जितना समय मुझे मिल रहा है उतना मैं आपके लिए करा रहा हूँ. अब ये आपका आ चुका है सेट नंबर 111, जो कि आपका BSRB बड़ौदा कलर एग्ज़ाम सन 2000 में आया हुआ है, जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं. सेंटेंस में ये आपका जो पोर्शन है वो था आपका एक सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये आपका है कॉमन एरर बेस्ड. आपको बताना है कि सिर्फ रेड 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 वाले पोर्शन में क्या गलती है. यस गाइस चलिए जी पहला सेंटेंस कह रहा है कि ऑनिंग टू शॉर्टेज, ये लीजिए शुरुआत में ही गलती कर दी उसने. OWN ओन, ओन का मतलब होता है अपना, निजी, खुद का, जो कि यहाँ पे गलत है आपका. वो कहना चाह रहा है ओविंग टू, यानी कि के कारण, तो आपको सेंटेंस में OWING वाला लगाना होगा, ओविंग, तब बात आपकी होगी करेक्ट, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको दिख गई है एरर. सेंटेंस नंबर अगला देखिए क्या कह रहा है. कह रहा है कि यू हैव एब्सोल्युटली नो राइट टू इंटरफेयर इन माई अफेयर्स, यानी कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे अफेयर्स यानी कि मेरे मामलों में इंटरफेयर यानी कि हस्तक्षेप करने का. तो यहाँ पे यू हैव एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है. नो राइट, यहाँ पे राइट का मतलब अधिकार से है, किससे, यहाँ पे अधिकार का राइट का मतलब अधिकार से, जो कि यहाँ पे करेक्ट है. टू इंटरफेयर फर्स्ट फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है. इन माई अफेयर्स यानी कि ये भी ठीक है. सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा ई, नो एरर, क्या हो जाएगा, नो एरर. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई अपील्ड टू हर टू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन ड्यूरिंग माई अब्सेंस, तो मैंने उससे अपील की, जो कि ठीक है. टू हर टू लुक आफ्टर, लुक आफ्टर आपका एक idiom है जिसका मतलब होता है देखभाल करना. क्या होता है लुक आफ्टर का मतलब, देखभाल करना, ध्यान रखना किसी का. तो आई अपील हर टू लुक आफ्टर माई चिल्ड्रन ड्यूरिंग माई अब्सेंस, तो यहाँ सेंटेंस में भी कोई नहीं है एरर, ये भी आपका कहलाएगा ऑल करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा नो एरर. ओके गाइस सेंटेंस में इसका आंसर लगाने वाले हैं आप एफ. नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपका, कह रहा है कि द सिनेमा ट्रांसफॉर्म्स एब्स्ट्रैक्ट थीम्स इनटू करेक्ट स्टोरीज, सॉरी कंसर्ट स्टोरीज. तो यहाँ पर कह रहा है कि द सिनेमा, अब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म्स, सिनेमा आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, उसके साथ में आपको सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, जो कि इंग्लिश ग्रामर का रूल है. रूल ये है कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, और दुनिया की कोई भी वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब आप उसमें एस या ईएस लगा दें, जो कि उसने लगाया हुआ है. तो यहाँ फिलहाल ये सेंटेंस का पार्ट ठीक है. अगला है एब्स्ट्रैक्ट थीम्स इंटू कंसर्ट स्टोरीज, तो यहाँ पे कंसर्ट जो उसने लगाया है ये आपका रोंग है. इसकी स्पेल CONCRETE आपका होना चाहिए था. सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई है फिलहाल आपके एरर. सेंटेंस नंबर फिफ्थ देखिएगा, कह रहा है कि मैनी पीपल एक्यूज हिम ऑफ नेग्लिजेंट बट देर इज नो एविडेंस टू सब्सटेंशिएट दैट. तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में उसने लगाया एक्यूज्ड, यानी कि एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना. क्या होता है, आरोप लगाना. और मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था एक्यूज के साथ में, थेफ्ट के साथ में, ब्लेम के साथ में, क्लेम के साथ में अलग अलग वर्ड लगते हैं. ऐसे में से आपका एक्यूज है, इसके साथ हमेशा लगा करता है ऑफ, एक्यूज ऑफ.
लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती सेंटेंस में करी गई है, वो है आपकी ऑफ के बाद जो उसने वर्ड लगाया है नेगलिजेंट। ये जो नेगलिजेंट है ये आपका एक एडजेक्टिव है। क्या है बच्चों आपका ये एडजेक्टिव। और प्रपोजिशन के बाद, प्रपोजिशन के बाद हम लोग क्या लगाया करते हैं नाउन। तो यहाँ पे आपका नेगलिजेंट नहीं आएगा, नेगलिजेंट को हटा करके आपको बनाना होगा इसे नाउन। हमें इसे करना होगा नेगलिजेंस। क्या करना होगा नेगलिजेंस। जब ये नाउन बन जाएगा सेंटेंस अपने आप करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इस सेंटेंस का फिलहाल जो आपका आंसर है वो है आपका बी करेक्ट। तो गाइस जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि वीडियो को मैं कभी भी रोक सकता हूँ, मेरा अपना बैच आने वाला है। तो गाइस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की बात करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, साथ में वहाँ पर कुछ और सेट्स भी आपके कंबाइन कर दूँगा। यहाँ मैंने आपको आज के वीडियो में सेट नंबर 109, सेट नंबर 109, सेट नंबर 110 और सेट नंबर 111 करवाया, जिसमें मैंने आपको आज 10 एक में थे, 15 एक में और 5 एक में, यानी कि 30 सेंटेंस सोल्व करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के सेंटेंस समझ में आए होंगे। पूरी बुक का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारे प्ले स्टोर पर जाइएगा, सॉरी नॉट प्ले स्टोर, यहाँ पर फोल्डर पर जाइएगा। फोल्डर में आपको एक इसका अलग से फोल्डर मिलेगा, जा करके वहाँ पर जाके चेक कीजिएगा, आपको पूरा बुक का सोल्यूशन सेट वाइज मिल जाएगा। जाइएगा एक एक करके वीडियो सारी देखिएगा, टारगेट बना करके 23 दिसंबर तक आपको ये सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम है आपका 24 दिसंबर को बच्चों। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे, शब खैर, गुड नाइट।